ये हूँ मैं करंटली होल्डिंग 31 मिलियन रुपीज इन फायर एमसी, पर थोड़ी देर में इन सारे पैसों को मैं लूज करने वाला हूँ। लेकिन कैसे? फायर एमसी इंडिया का पब्लिक सर्वर मेरे दोस्त पीएचडी भाई का है, तो आज इस सर्वर में हमें करने हैं 100 मिलियन रुपए। तो मैं 100 मिलियन कैसे करने वाला हूँ उसके अराउंड में थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ। तो जितनी भी चीजें मुझे अभी तक इस सर्वर में पता लगी है उन सब चीजों को यूज करने से पहले क्यों ना मैं अपनी रैंक को अपग्रेड कर लूँ। मेरे पास अभी डेडलीस्ट रैंक है एंड सर्वर की सबसे टॉप रैंक है एस। तो फटाफट से चलते हैं फायर एमसी की वेबसाइट पर। ओके, तो यहाँ पर कुछ कॉइन्स है, मैं सबसे ज्यादा यही ले लेता हूँ, 5 कर देते हैं इसको एक बार में। तो यहाँ पर मैं एक बार में सिर्फ 4999 का बाय कर सकता हूँ, तो मेरा जो पेमेंट है वो 5500 हो रहा है। फर्स्ट टाइम बाय करोगे तो आपको वेलकम 15 का एक कूपन मिलेगा, अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ 825 रुपए ऑफ मिला है। तो अभी फटाफट से अपना पेमेंट को मैं कंफर्म करता हूँ एंड मिलते हैं फायर एमसी में। ओके, तो अपनी रैंक अपग्रेड हो चुकी है एस पर एंड मेरे को पॉइंट मिल चुके 80,900। ओके ये रहा एंड अभी देखते हैं हमको क्या मिलने वाला है एंड जितना भी सामान होगा मैं सब बेच दूंगा। हेलो बेज भाई, अब क्या कर रहे हो भाई मेरे सर्वर में? तुम क्या हुआ, इतने सारे कॉइन्स और रैंक क्यों खरीदा? भाई मेरी मर्जी, तुमने ऑलरेडी मेरे सर्वर की वाट लगाई है, तो मेरे को प्लीज दूर रहो ना यार। अरे भाई मैं अब खरीद भी नहीं सकता क्या? ये क्या बात हुई, आपने सर्वर में रखा ही क्यों है सब कुछ? तुम्हें फालतू टाइम पास मत करो, इस बार अगर कुछ दिखा मैं बैन करवा दूंगा। ठीक है भाई। भाई साहब पीएचडी भाई तो मेरे को धमकी देके चले गए, अगर मैंने कुछ भी किया तो मेरे को सीधा बैन मिलने वाला है इस बार। तो अभी कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि पीएचडी मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप लोग ये दो वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने फायर एमसी में बहुत ज्यादा कांड किया है, तो इसीलिए मेरे से पीएचडी ऐसा कहकर जा रहे हैं। तो अभी मेरे को पूरा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने एक भी गलती की तो मेरे को सीधा बैन मिलेगा फायर एमसी से। तो सारी क्रेट ओपन करने का जितना भी सामान मुझे मिलता है वो सारा सामान मैं ऑक्शन हाउस में बेच देता हूँ एंड जैसे जैसे लोग उसे खरीदते रहेंगे मुझे पैसे मिलते रहेंगे। तो मैं इससे 100 मिलियन तो नहीं कर सकता था, फिर मैं और भी तरीके सोचता हूँ कि मैं कैसे अमीर हो सकता हूँ। तो मैं स्लैश शॉप करता हूँ एंड मुझे दिखता है कि सबसे महंगी चीज जो बिच रही है वो है कैक्टस और शुगर केन, तो क्यों ना मैं इन दो के फार्म बना लूं। बट अगर दोनों के फार्म मैं बनाने बैठा तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं कैक्टस फार्म बनाने के लिए किसी को दे दूं एंड शुगर केन फार्म मैं खुद बना लूं। लवीज मैं बना तो दूंगा आपके लिए कैक्टस फार्म, बट उसके बदले आप मेरे को क्या दोगे? मैं फायर एम्स में आपको पैसे दे दूं जितने चाहिए आपको। ओके 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 डील डन, बट कितने दोगे? कितने चाहिए आपको? 5 लाख। व्हाट द 5 लाख भाई, इतने ज्यादा? भाई कैक्टस बहुत महंगा बिकते हैं भाई शॉप पे, एंड अगर मैं आपको फार्म बनाकर दे रहा हूँ तो आप उससे भी ज्यादा कमाओगे, सोचो। चलो ठीक है ना, मेरा ना आपका 3 लाख डन। ठीक है, 3,05,000 डन, 5,000 सुगुन के। तो मेरा कैक्टस फार्म तो बंदा बना देता है, शुगर केन फार्म मैंने थोड़ा सा बनाया था, फिर रात हो गई थी काफी ज्यादा, तो मैं सोचा कल आके बनाऊंगा। एंड जब मैं नेक्स्ट डे फायर एमसी में लॉग इन करता हूँ तो भाई मेरे साथ क्या होता है ये देखो। हाँ वेट, रात मैंने शुगर केन लगाए थे इधर। ब्रो शुगर केन कहा है मेरे? अबे यार ये पब्लिक सर्वर शुगर केन भी चोरी कर लेते हैं क्या? ब्रो एक सेकंड, मेरे पास 12 मिलियन रुपए। व्हाट ब्रो, मेरा सारा सामान सेल हो गया, मतलब मेरे पास 12 मिलियन रुपए हो चुके हैं अभी। बट मेरा शुगर केन अभी कौन फील करेगा इसे वहां तक पूरा? तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं इसे फिल ना करके क्यों ना अपने किसी दोस्त को दे दूं, वो इसे फिल भी कर देगा एंड मेरे को शुगर केन यहां से निकाल के भी दे देगा। मेरे को मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और मुझे उसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्त है मेरा यार, इतना तो काम कर ही सकता है। एंड अगर आप भी मेरे दोस्त हो तो इस ग्राफ को देखो एंड थोड़ी सी दया करो मेरे ऊपर। सिर्फ 19% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, बाकी सारे लोग वीडियो देख के चले आते हैं। फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाओ। मिस्टर बॉट, ये है वो एरिया जहाँ पर आपको प्लेस करने है बहुत सारे शुगर केन जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास है एक्चुअली, मैं पहले भी कर रहा था काम। ओके, तो बस आपको इस जगह पूरे में शुगर केन प्लेस करना है एंड आपके पास पैसे कितने? यही कुछ 8-9 लाख होगा शायद से। ठीक है, उसका खरीद के यहाँ पे पूरे में शुगर केन लगा दो एंड जितना भी शुगर केन निकले मेरे को देते रहना प्लीज। तो अपना शुगर केन फार्म तो मिस्टर बॉट बना देगा एंड मेरे को देखना है क्या मेरा कैक्टस फार्म कंप्लीट हुआ। हेलो यो व्हाट्सअप लविज भाई, व्हाट्सअप हमें कह रहा था मेरा शुगर केन फार्म बनाया क्या? या वो शुगर केन कैक्टस फार्म? ओके बन चुका है कैक्टस फार्म। तो लोकेशन लोकेशन भाई, लोकेशन से पहले मेरे को पैसा चाहिए भाई, कुछ भी मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा फार्म। देखो दिए, देखो दिए। चलो मैं आपको कोऑर्डिनेट देता हूँ डीएम पे, आप उसमें आ जाओ। ओ लेट्स गो भाई, ये तो काफी बड़ा बना दिया। एक सेकंड मेरे को चेस्ट में चेक करने दो। ओ लेट्स गो बॉयज, अपना फार्म कंप्लीट हो चुका है एंड ये फार्म सिर्फ मेरे को और उसको पता है, नीचे से दिखता भी नहीं है। तो ऐसा करता हूँ, सबसे पहले जितना भी कैक्टस है इसको बेचते हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो ये जो दो फार्म बनाए थे मैंने, मैं इससे अमीर तो हो जाता बट इससे अमीर होने मेरे को 3 से 4 महीने लग जाते। तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं लोगों के कुछ काम करूं एंड उसके बदले अगर लोग मुझे पैसे देंगे तो उससे मेरा भी फायदा है उनका भी फायदा है। तो मैं फायर एमसी के पब्लिक डिस्कॉर्ड सर्वर पर जाता हूँ जहाँ पर बैठ के लोग गेम खेलते हैं। मैं कह रहा था कि तुम लोगों को कोई भी काम कराना है मेरे से, मतलब बस मेरे को लोग पे करना है, मैं कुछ भी काम कर रहा हूं। हेलो भाई सुन लो कोई, तो तो इस पब्लिक डिस्कॉर्ड सर्वर में बीच में मेरी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, तो मैं लोगों को पर्सनल डीएम्स में लेके आता हूँ फिर पूछता हूँ कि उनके पास कोई काम है मेरे लिए, बट वहाँ पर भी मेरे साथ कुछ अजीब अजीब हरकतें होती हैं।
आप मेरे लिए 2-3 स्टैक डायमंड माइन कर लोगे? मैं आपको 5,000। हाँ, एक तो काम है, मेरा एक दुश्मन है आईएनडी गेमिंग का, तुम आते हो मेरे लिए? प्रॉब्लम है कि मेरे पास तो पैसे नहीं। आप मेरे लिए एक बेस बना सकते? मैं आपको पूरे 1,000 रुपए दूंगा। हेलो लेपिस भाई, एक काम करो, मेरे साथ पे भी कर लो, मैं आपको जस्ट 2,000 रुपए दूंगा। मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा काम है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आप डिस्काउंट का एक ग्रुप बना लो मेरे साथ। कितना पैसे दोगे उसके लिए? 1,000,000। 1,000,000? यस। क्यों नहीं भाई, मैं अभी बना देता हूँ एक ग्रुप। तो यस, कोई अपने पैसे देना ही नहीं चाहता किसी को, क्योंकि सबको अमीर होना है फायर एमसी में। तो फिर मैं इसके बाद थोड़ा और दिमाग लगाता हूँ, एंड थोड़ा सोचने के बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों ना लोगों को मैं चैलेंजेस दूँ जिसमें वो लोग भी जीत सके पैसे, मतलब लोगों को ऐसा लगे कि हम भी जीत सकते हैं तो मेरा भी फायदा होगा इसमें, तो शायद से वो लोग अपने पैसे निकालने के लिए तैयार हो जाएं। तो वो मैं कैसे करने वाला हूँ वो आप आगे देखते हैं, बट उससे पहले हम लोग कैक्टस फार्म पे चलते हैं कि अपने को कितने कैक्टस मिले। वेट, एक सेकंड, मेरे को 15 कैक्टस के मिले। ओके ओके ओके, आ गया 22-23 अभी। ओके, मैं समझा चंक लोड नहीं होंगे तो ये। अरे यार, तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, एक दूसरा अकाउंट लेता हूँ एंड उसको इसमें डालता हूँ, क्योंकि ये सर्वर क्रैक है तो मैं दूसरे अकाउंट को भी इसमें डाल सकता हूँ। 2 माइनक्राफ्ट खोलने पड़ेंगे मेरे को, एंड 1 माइनक्राफ्ट में इधर AFK रखूंगा एंड अपने जो मेन अकाउंट है उससे काम करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले अकाउंट को अब यहाँ पर मैं AFK छोड़ दूंगा, जिससे कि मेरा ये कैक्टस फार्म चलता रहे एंड मेरे को ये कैक्टस मिलते रहे। एंड ये रही वो मेरी मेन आईडी, मेरे पास 15,000,000 रुपए हो गए भाई। हेलो आदित्य भाई। हेलो, क्या आपको जीत रहे हैं 1,000,000 रुपए इन फायर एमसी? क्या बात कर रहा है, 1,000,000 रुपए? हाँ भाई, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा, बस एक छोटा सा चैलेंज, शर्त या चैलेंज लगाते हैं हम लोग आज भाई। ओके, क्या करना है बताओ। तो उसके बाद मैं इसे पूरा चैलेंज समझाता हूँ कि फायर एमसी में एक वॉर अरेना है जहाँ पर सब लोग लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, वहाँ पर हम लोगों को जाना है, इन दोनों को बिना आर्मर के रहना है, जो ज्यादा देर तक वहाँ पर सर्वाइव कर लिया वो जीत जाएगा 1,000,000 रुपए। एंड ये चैलेंज सुनने के बाद इस बंदे का रिएक्शन, अरे तो बहुत ईजी है, इसमें क्या है। 3-2-1 Let's go. भाई नहीं, भाई मेरे पीछे को लग रहा है। ओह शिट, मेरे पीछे लगा हुआ बंदा पहले। ओके 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 ओके, मैं चैट देख रहा हूँ भाई। बंदा स्पैम कर रहे भाई, एक्स स्पैम कर रहे। व्हाट भाई, अबे भाई, भाई मेरे। ओह नो 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 नो, नहीं मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, मुझे 1,000,000 चाहिए। मेरा टोटम गया, मेरा टोटम गया। ओह नो भाई, मर गया क्या, मर गया क्या? हाँ, लेट्स गो भाई, जीत गया मैं। नाइस भाई, अभी नहीं नहीं, मरना नहीं है, मरना नहीं है मुझे, मरना नहीं है अभी। वैसे मैं जीत तो चुका हूँ 1,000,000 रुपए, लेट्स गो। देखो भाई, आए क्या आपके पास? यस, 16,000,000,000 हो गए, लेट्स गो। हेलो मिस्टर परफेक्ट। हाँ भाई बोलो। मैं कह रहा था कि क्या आपको 2,000,000 रुपए जीतने हैं फायर एमसी में? भाई 2,000,000 कैसे भाई? 2,000,000 मतलब देखो, आपको MLG आती है, वाटर बकेट MLG? हाँ भाई, MLG में तो भाई इतना भाई प्रो भाई। फिर मैं से पूरा चैलेंज समझाता कि आखिर चैलेंज क्या है, एंड मेरे को ये नहीं समझता कि लोग अपने आप को इतना प्रो कैसे समझते हैं भाई। इस बंदे का रिएक्शन देखो आप भाई, तब तो आपका जाने वाला 2,000,000। 3-2-1 बोलते ही नीचे जाना है, ठीक है? 3-2-1 गो। ओके ओके ओके, फर्स्ट टाइम दोनों ने कर दिया। 3-2-1 को तो आप ही आने वाले हो भाई। प्लीज 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 प्लीज। अगला चैलेंज मैं तैयार करता हूँ 5,000,000 के लिए, एंड वो चैलेंज होता है पार्कोर चैलेंज। जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ ये चैलेंज 5,000,000 के लिए, तो लोग खुश तो हो जाते हैं, बट जब मैं उन लोगों को ये पार्कोर दिखाता हूँ तो लोग बोलते हैं ये तो हार्ड है भाई, ये कैसे होगा 5,000,000 के लिए? इतना हार्ड पार्कोर ये तो मैं नहीं करूंगा, ये पार्कोर इतना इजी है तो मैं नहीं कर रहा। फिर मैं सोचता हूँ कि इसका प्राइस मैं थोड़ा कम कर देता, बट उससे पहले मुझे एक बंदा मिलता जो कि ये कहता है, वैसे तो नुकसान तो बहुत तगड़ा है बट आई डोंट थिंक कि मैं हारूंगा। चलो ठीक है, डील एक्सेप्टेड। आई नो कि भाई 5,000,000 बहुत ज्यादा तगड़ी अमाउंट है, देखी जाएगी भाई। सुनो सुनो, और हाँ, 5,000,000 इतना बड़ा है तो क्यों ना हम 5,000,000 एक बंदे को जमा कर दें, जो जीतेगा वो सीधा 10,000,000 दे देगा एक बंदे को, क्योंकि मेरे को शक है कि आप भाग ना जाओ, इसलिए आप कर दो भाई अभी। ओके, मैं स्टीवी को बुलाऊं? हां बुला सकते हो ऑफ कोर्स। ठीक है स्टीवी, आपके पास 10,000,000 आ चुके हैं? नहीं आए भाई, बिल्कुल नहीं आए। आगे 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 दोस्तों। 3-2-1 स्टार्ट। ये कैसे होगा? मिले
हाँ भाई डन डन। तो मैं नेक्स्ट सोचता हूँ क्यों ना मैं लोगों के साथ पीवीपी करूँ, एंड उसमें मेरे को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस जाओ वॉर पर नाम पीवीपी करो, एंड उससे पहले मेरे को अपने हार्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास सिर्फ 9 ही दिल है। तो ऐसा करता हूँ मैं ऑक्शन हाउस से हार्ट खरीद लेता हूँ। अभी मेरे पास पूरे 30 दिल हो चुके हैं एंड मेरे को चेक करना अपनी एंडर चेस्ट में कि मेरे पास एंचेंटेड एप्पल है कि नहीं। देखो आर्मर वगैरह सब है मेरे पास, गोल्डन एप्पल से लेकर हर एक चीज है। ये जो सामान है ये उस समय का सामान है जब फायर एमसी बना ही था, मतलब नया नया जब लॉन्च हुआ था उसमें हमारे पास क्रिएटिव रहता था सर रुपये। एंड उस समय हम लोगों ने क्या करा था, मैंने जेड जोन ने कि कुछ सलकर सामान निकाल कर रख लिया था, लाइक पोशंस के, देखो मेरे पास पोशंस हैं एंड क्रिस्टल वगैरह सबके मेरे पास ये रखे हुए हैं। तब से मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया, तो आज इन सबको यूज करने का टाइम आ चुका है। एंड इसके बाद मैं काफी सारे लोगों से पीवीपी चैलेंज लगाता हूं एंड काफी सारे लोगों से जीत भी जाता हूं, एंड ऐसा कर करके मैंने कलेक्ट कर लिए थे 31 मिलियन रुपीज। बट एक दिन उस रात इतना भी फील में नहीं आना था, बट मेरे साथ जो हुआ वो आप लोग खुद ही देखो। लैपिस भाई, आपने वो एवरीवन पिंक करके चैलेंज दिया था ना पीवीपी चैलेंज का, हाँ तो वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, 3 मिलियन का चैलेंज करते हैं, आ जाओ दम है तो। अरे भाई नाम बताओ अपना भाई। एमबॉट पाई मीडिया रैंक। हम लोगों को किसी एक बंदे को पे करना पड़ेगा बीच में ताकि बात को चीटिंग वगैरह का सोच ना हो। किसको करोगे बताओ? सर्व का स्टाफ है, एक M1X खेल रहा है, उसको बुला लेते हैं, दोस्त भी मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमको क्या करना है कि मैं आपको 3 मिलियन दूंगा और वो आपको 3 मिलियन देगा, बस आपको 6 मिलियन होल्ड कर रखना है जब तक हम लोग का पीवीपी में कोई जीत नहीं जाता। ठीक है मैं भी कर देता हूँ M1X 3 मिलियन ना। मैंने कर दिया। चल मैंने भी, अबे शेट, अबे गलती से मैंने 30 मिलियन पे कर दिए। छोड़ो ना, 30 मिलियन का ही आ जाओ, दम नहीं है क्या? 30 मिलियन का ही कर लो दम है तो। वेट, अरे भाई तुम्हारे पास भी तो होने चाहिए 30 मिलियन देने के लिए। भाई मेरे पास बहुत है। क्या करो भाई, 27 मिलियन दो उस बंदे को पहले। हाँ देता हूँ ना, एक मिनट रुको। हाँ मिल गया, बढ़ जाए भाई 30 मिलियन। भाई यार मैं हार गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे लैपिस भाई जीत भी तो सकते हो ना, पूरा आपके पास 60 मिलियन हो जाएंगे, आ जाओ ना। ओके चलो कर लेते हैं। मैं आपको 10 मिनट देता भाई रेडी होने के लिए, मैं 10 मिनट में रेडी होके आया बस। वेट व्हाट द हेक भाई, शिट ब्रो, मेरे 30 भाई मैंने कितना मेहनत से 30 मिलियन कमाए थे। वेट व्हाट, मेरा सामान मेरे पास, ओ हाँ मैं याद आया, मेरा कीप इन्वेंटरी ऑरेंज सर्वर का, तो यहाँ पर मैं अपने पूरे 30 मिलियन लूज कर चुका था एंड अपना पूरा मोटिवेशन भी, एंड अभी मेरे अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं था कि मैं इस सर्वर में 100 मिलियन करूं। तो फिर मैं इस सर्वर छोड़ छाड़ के चला जाता हूं, एंड शाम को जब मैं दोबारा लॉग इन करता हूं फिर मैं सोचता हूं कि क्यों ना मैं इस सर्वर में 100 मिलियन स्कैमिंग और चीटिंग से करके देखूं, क्योंकि अभी तक मैंने इस सर्वर में 30 मिलियन पूरी मेहनत से करे थे, क्या मैं 100 मिलियन चीटिंग से कर सकता हूं? तभी मेरे दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना मैं PSD1 का हार्ट निकालूं एंड उसको बहुत ज्यादा महंगे में बेचूं, क्योंकि उस हार्ट पर लिखा रहता है PSD1 हार्ट, क्योंकि वो ओनर का हार्ट है इसलिए लिखा रहता है उस पे। तो मैं PSD1 हार्ट ऐसे जाके मांग तो नहीं सकता क्योंकि PSD1 और मेरी हेड सिल में लड़ाई हो रखी है, तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करते। एंड थोड़े टाइम पहले इस सर्वर में एंड बॉल भी हुआ, एंड जो ड्रैगन एग है उस ड्रैगन एग की कीमत PSD1 ने 50 मिलियन सेट किया है। उस ड्रैगन एग को मैं स्कैम कर लूं तो मैं एक बार में 50 मिलियन ले सकता हूं, एंड उससे पहले मैं M1X के पास जाता हूं, सब कुछ बताता हूं, तो वो कुछ ऐसा बोलता है, अरे मैं तो कुछ नहीं करता, मेरे पास तो इधर ओपी भी नहीं है, क्रिएटिव भी नहीं है, मैं तो इधर सिर्फ लोगों चीट यूज कर रहा है क्या वो देखता हूँ, मेरे साथ तो बात भी नहीं करते वो। तो क्या अपना प्लान यहाँ पर फेल हो चुका था, वो भी M1X के कारण? नहीं, मेरा यहाँ पर एक और दोस्त है जो कि है इविलियस, तो मुझसे जाके पूछता हूँ क्या भाई तू मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकता है PSD1 का हार्ट लेने में। हेलो इविलियस, तो मैं कह रहा था कि मेरे को PSD1 को एक बार फायर एम्स में मारना है, मतलब उनका एक हार्ट चाहिए मुझे, मेरी हेल्प कर सकते हो? तो ये विलियस तो एकदम इजीली मान चुका था क्योंकि भाई वो तो ओनर है, उसके पास तो इनफाइनाइट हार्ट्स हैं एंड PSD1 के पास भी इनफाइनाइट हार्ट्स हैं, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता हार्ट वगैरह से। तो फटाफट से अभी गेम में चलते हैं, वहां जाके PSD1 के आने का वेट करते हैं। तो भी आप लोग साइड में देख रहे होंगे मेरे पास 5.5 मिलियन रुपए है, तो ये कहां से आए मेरे पास? तो मेरे पास जो कैक्टस एंड शुगर की फार्म था मैंने वो बेचा, एंड मेरे पास 51 के कॉइंस थे, उससे क्रिएट ओपन करने का जितना भी सामान था वो भी बेच दिया, तो सबको कुल मिला के मेरे पास 5.5 मिलियन रुपए हो गए, एंड अभी वेट करते हैं PSD1 के आने का। बस मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे PSD1 सर्वाइवल में आते हैं वो शॉट फेंकेगा, ठीक है बस उतना ध्यान रखना है मेरे को। अरे भाई ऐसा क्या आप कर रहे हैं, तो शॉट फेंक इविलियस, अब भाई कितना टाइम लग रहा है सर्वाइवल में आने में, वेट में पीछे से देखता हूँ। मेरे एंटरपल्स, मेरे एंटरपल्स, मेरे पास टोटम भी था ना ये रहा भाई साहब, इतने हार्ड होते हैं खुद के टोटम भी बोल रहा हूँ, मेरे पास टोटम नहीं, व्हाट द हेक, क्योंकि लो 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 नहीं
मर गया कभी? मर गया PhD1 हार्ट, लेट्स गो भाई साहब, लेट्स गो। एंड यस, गलती से अगर उस हार्ट को मैंने इक्विप कर लिया तो वो हार्ट मतलब रीनेम हो जाएगा एंड उस पर नहीं लिखा रहेगा PhD1 हार्ट। ड्रैगन एग कैसे करके निकालना वो सोचना है भाई। ड्रैगन एग स्कैम करने के लिए मुझे कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। बट मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस बंदे ने रियल में ड्रैगन एग जीता था उसने 50 मिलियन में किसी को बेच दिया है, और जिस बंदे के पास अभी 50 मिलियन में ड्रैगन एग है उस बंदे से मेरे को स्कैम करना है। अभी देखो मैं कैसे करता हूं। तो जतिन भाई आपके पास ये ड्रैगन एग फायर एमसी का मेरे को ड्रैगन एग चाहिए, मतलब एक स्क्रीनशॉट डालना है मेरे को कम्युनिटी पोस्ट पे। तो मेरे को बस ड्रैगन एग ऐसे हाथ में लेना है एंड एक स्क्रीनशॉट डालना है। तो क्या आप मेरे को अपना ड्रैगन एग दे सकते हो? क्या पता आप लेके भाग जाओ तो? नहीं भागूंगा भाई यार, आपके सामने ही तो हूं मैं, क्या दूं बताओ आपको भाई। मेरे पास 50 मिलियन तो नहीं है देने के लिए, बट मेरे पास 5 मिलियन जरूर है। वो एक स्क्रीनशॉट के बदले आप मेरे से 5 मिलियन ले लो भाई। उससे पहले आप एक ऑक्सीजन के रूम में आओ। ठीक है, मतलब उसके अंदर दोगे क्या? मेरे पास 20 बनी ऑक्सीजन है, बनाओ एक रूम। ओके आ जाओ अंदर लपिस भाई। ओके भाई यस, यही ड्रैगन एग चाहिए, दे दो भाई, दे दो अभी भाई। पहले 5 मिलियन पे करो। ओके स्लैश पे, ठीक है देखो भाई। ओके भाई ये ओके दे दो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके ओके आ जाओ साइड में लेते, आ जाओ एक दोनों साइड में लेंगे ऐसा करके। मैं इसे लेफ्ट में पकड़ लेता हूँ एंड इसके हाथ में राइट में शॉट, ठीक है, जिससे एकदम मस्त मेरी शॉट सबसे बढ़िया। आपकी छोटी शॉट है भाई, देखो अभी क्या है कि स्क्रीन शॉट मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाएगा, ठीक है। ओके ओके चलो फिर मैं थोड़ी देर बाद। अरे भाई जो उसको टोपी पहनाया, लेट्स गो अपने पास आ चुका है ड्रैगन एग, इस सर्वर का सबसे रेयर आइटम भाई। मैं फटाफट से उसको एंड चेस्ट में डाल देता हूँ एंड लिटरली उस बंदे को लगा कि मैं उसको ड्रैगन एग वापस दूंगा। एंड मैं तब से पता उसका टाइम पास क्यों कर रहा था, मैं निकलने की कोशिश कर रहा था कॉम्बैट से। यस, अगर मैं कॉम्बैट में स्लैश स्पॉन करता तो मैं स्लैश स्पॉन नहीं कर पाता एंड बट जैसे मैं कॉम्बैट से निकलने के बाद स्लैश स्पॉन करते हैं हम लोग, तो हम लोग सक्सेसफुली स्लैश स्पॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें फायर एमसी के ऑक्शन हाउस में सेल नहीं करने वाला था क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि कोई बंदा इसे 50 मिलियन में खरीदा कि नहीं खरीदेगा, कि हट को जितने मैं चाहता हूं उतने में खरीदेगा कि नहीं। इसलिए मैं ऑर्गेनाइज करता हूं एक ऑक्शन हाउस एंड ये आइडिया कितना ज्यादा यूनिक है आप लोगों को पता ही होगा, आज से पहले इंडिया में किसी ने किया भी नहीं है। बहुत ज्यादा हो गया। यस गाइस, PhD1 ऑक्शन हाउस लापता में किया था, तो मैं सोचा मैं उनके सर्वर में कर देता हूँ फायर एमसी में। एंड इसमें मैं सिर्फ 2-3 चीजें बेचूंगा, एक हर्ट, ड्रैगन एग एंड थोड़ी सी जो मेरे पास कस्टम टूल्स है वो बेचूंगा ताकि 100 मिलियन करने में कैसे भी कमी ना रह जाए। सबसे पहली चीज जो कि मैं बेचना चाहता हूं, मतलब मेरे पास कुछ टूल्स है कस्टम वाले एंड अगर ये किसी को खरीद रहे हैं तो मुझे बता सकता है। एंड सबसे पहली चीज जो कि है सॉर्ड, तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, सॉर्ड, पिकैक्स, एक्स एंड बो, ये सारी चीजें बेचने वाले टोटल कलेक्ट होते हैं 10 मिलियन रुपए। एंड अभी आगे बढ़ते हैं उन दो चीजों पर। अपना जो नेक्स्ट आइटम है वो है एक हर्ट। आप लोग सोच रहे होंगे इस हर्ट में ऐसी क्या खास बात है? Yes. ये हर्ट में खासियत बात मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये हर्ट है इस सर्वर के ओनर PhD1। तो बहुत देर इन लोगों को इस हर्ट की वैल्यू समझाने के बाद मैं इस हर्ट की बोली स्टार्ट करता हूँ 10 मिलियन से। 12 मिलियन मेरी तरफ से। कौन नाम तो बोलो भाई, गेम में कैसे पता लगेगा? Kashin097। ओके कसिन भाई की तरफ से 12 मिलियन, क्या कोई और लगाना चाहता है इससे ऊपर? 16 मिलियन, 20 मिलियन, 21 मिलियन, अबला पुरुष 21 मिलियन, 23 मिलियन, 23 मिलियन, 1, 25 मिलियन, 25 मिलियन, 1, 25 मिलियन, 2, 25 मिलियन, 30 मिलियन, 30 मिलियन गाइस, 30 मिलियन भाई, 30 मिलियन, 30 मिलियन, 3, लेट्स गो नोवा भाई, आप जीत चुके हो PhD1 कार्ड फॉर 30 मिलियन। तो अभी 100 मिलियन के लिए मेरे को सिर्फ 60 मिलियन चाहिए थे, तो कैसे भी करके ये ड्रैगन एग मेरे को 60 मिलियन में बेचना था। तो अपनी जो लास्ट एंड फाइनल चीज है जो इस ऑक्शन हाउस की, वो है ड्रैगन एग। इसके लिए तो मैं वेट कर रहा था तब का भाई, देखने तो दो एटलीस्ट। ये लो भाई देख लो, दूर से देखो बस, दूर से। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस ड्रैगन एग की कीमत PhD1 ने 50 मिलियन सेट की थी, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। 50 मिलियन और इससे ऊपर कौन खरीदना चाहेगा इसको? 55 मिलियन। ओ भाई साहब, 55 मिलियन, 55 मिलियन से ऊपर इसे कौन खरीदना चाहेगा भाई? काफी ज्यादा रेयर चीज है इस सर्वर की, क्या कोई और है जो इसे 55 मिलियन से ऊपर में खरीद सके? 56 मिलियन। ओ स्ट्राइकर क्यूटी की तरफ से 56 मिलियन, प्लीज 4 मिलियन और कोई बढ़ा दो भाई, हो जाएंगे अपने 100 मिलियन। तो कोई और है जो इसे 56 मिलियन से ऊपर में खरीदना चाहे? 58 मिलियन, 58 मिलियन भाई, क्या कसिम भाई कहाँ डालोगे अपने 100 मिलियन? क्योंकि कोई नहीं है 58 मिलियन से ऊपर खरीदने वाला इधर। 58 मिलियन, 1, 58 मिलियन, 2, 65 मिलियन, 65 मिलियन। तो यहाँ पर मेरा 100 मिलियन का गोल तो कंप्लीट हो चुका था, बट ये बोली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी एंड गैस करो ये कहाँ जाके रुकती है? 76 मिलियन, 76 मिलियन। ये नंबर इतना बड़ा था कि इतने पैसे इस सर्वर में सिर्फ कसिन के पास थे। अब ड्रैगन एग को इस सर्वर में कसिन के अलावा और कोई खरीद भी नहीं सकता था। ओके अपने ड्रैगन एग की ट्रेड कंफर्म, टॉप बैलेंस में टॉप पर भाई 116 मिलियन। तो इस सर्वर का सबसे अमीर इंसान तो मैं बन चुका हूँ भाई, लेट्स गो। तो ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है, बाय।